हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम ई एकेडमी। तो बच्चों, हमने शुरू की है एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी, जिसका सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज के लेक्चर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या क्या कवर करना है? तो सबसे पहले एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को कवर करेंगे, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा, देन कैसे ओव्यूल मैच्योर ओव्यूल एक सीड्स में कन्वर्ट होता है और कैसे ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो ये सारी इवेंट्स किसके अंडर आ जाती हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंडर। तो बच्चों, एक एक करके हम इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जो एंडोस्पर्म, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म किस में यूज आता है। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है। यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो रहा है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? तो एंडोस्पर्म। ठीक है, अब जो एंडोस्पर्म होता है ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट नेचर हो सकती है। जैसे कि अगर स्टार्ची होगा, अगर एंडोस्पर्म में स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टार्ची होगा, तो इसका कुछ इसके एग्जांपल है सीरियल। सीरियल्स में ऐसा देखने को मिलता है। प्रोटीनियस भी हो सकता है, ऑयली सेलुलोजिक और हेमी सेलुलोजिक। तो बच्चों, इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर प्रोटीनेशियस है एंडोस्पर्म, तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिला है? जो सीरियल्स की एल्यूरोन लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, तो उसमें हमने देखा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रोटीनेशियस होता है। देन अगर ऑयली की बात करें, तो जैसे कोकोनट और कैस्टर में ऑयली प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। अगर आइवोरी पाम होती है, उनमें सेलुलोजिक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, वहीं डेट पाम में हेमी सेलुलोजिक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती है एंडोस्पर्म की। तो बच्चों, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। कुछ टाइप्स भी होते हैं, मेनली थ्री टाइप होते हैं एंडोस्पर्म के। तो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एक सेलुलर एंडोस्पर्म, और थर्ड पे हमारा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो अब हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो जो ये न्यूक्लियस होता है ये फ्रीली डिवाइड होता चला जाता है। न्यूक्लियस एक से दो बनेंगे, देन ये चार हो जाएंगे, फिर इस तरीके से। सिर्फ यहाँ पे क्या डिवीजन होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है कोकोनट मिल्क। जैसे कोकोनट में जो मिल्क होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ऐसे ही सेलुलर एंडोस्पर्म, जैसे एक ये सेल है, ये सेल से दो सेल बनेंगी, दो सेल से फिर चार सेल बनेंगी। तो यहाँ पे सेल्स में डिवीजन होगा, यहाँ पे ये दो सेल में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद में ये चार सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो डिवीजन होगा वो सेल्स में कन्वर्ट होगा, इतने सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म होगा वो क्या होगा, सेलुलर सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है बच्चों, वो दोनों का इंटरमीडिएट होता है, उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी और सेलुलर एंडोस्पर्म भी। हमें उसमें देखने को मिल जाएगा कि कुछ तो फ्रीली न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा होगा और कुछ सेल्स के भी फॉर्मेशन होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म होते हैं उनके ये तीन टाइप होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल भी, जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, मोनोकोट्स प्लांट में हमें हेलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। देन सेलुलर एंडोस्पर्म, जैसे कि जो कोकोनट है, कोकोनट का जो चोपरा कोपरा कोपरा पार्ट होता है उसको उसमें देखने को मिलता है सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो मिल्क वाला पोर्शन होता है कोकोनट के अंदर, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। तो बच्चों, जो एंडोस्पर्म होता है वो हमें पता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो न्यूट्रिशन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सीड्स का फॉर्मेशन हो, जब तक सीड्स बने तब तक वो सीड्स उस पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर ले, पूरा ख़त्म कर दे एंडोस्पर्म। तो इस टाइप को जैसे
पीज में, ग्राउंड नट्स में और बीन्स में हमें इस तरह के एंडोस्पर्म हमने देखा है कि जो जितना भी एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है सीड्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ एंडोस्पर्म ऐसा होता है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, ऐसे सीड्स मैच्योर हो जाता है लेकिन फिर भी उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। और वो एंडोस्पर्म कब यूज़ होता है, फिर जब सीड का जर्मिनेशन होता है ना फर्दर, तब उसके जर्मिनेशन में हेल्प करता है एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है कैस्टर और कोकोनट, ये एग्जाम्पल है जहाँ पे सीड्स का फॉर्मेशन हो गया लेकिन उसके बावजूद भी एंडोस्पर्म वहाँ पे, एंडोस्पर्म का प्रिजर्व वहाँ पे बचा हुआ है। तो ये कैस्टर में देखने को मिलता है और कोकोनट में देखने में मिलता है। और जो ये बचा हुआ होता है ये किस लिए बचता है, ये बचता है कि ताकि जो सीड्स है वो जब जर्मिनेट होगा उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। देखो बच्चों, इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किन प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं, डाइकोट प्लांट्स में, ठीक है। मोनोकोट प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो पहले हम डाइकोट प्लांट में देख लेते हैं कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये एक जाइगोटिक सेल है जिसकी प्लोइडी कितनी होगी, 2n होगी, क्योंकि यहाँ पे एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट का फ्यूजन हुआ है, ठीक है। थोड़ी क्लियरिटी के लिए मैंने इसमें बनाया कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये पोर्शन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और ये चैलेजल एंड की तरफ है, ठीक है। हमें पता है चैलेजल जो जाइगोट बना था उसमें चैलेजल एंड की तरफ ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ठीक है। अब क्या होता है, इस जाइगोटिक सेल में फर्दर डिवीजन होता है। जो डिवीजन होगा वो एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, एसिमेट्रिकल माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से जो दो सेल्स बनेंगी उनका साइज डिफरेंट होता है। एक सेल बनेगी स्मॉलर और दूसरी बनेगी थोड़ी साइज में बड़ी। जो बड़ी सेल होगी उसको हम बोलते हैं बेसल सेल, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनती है वो बेसल सेल होती है, और जो साइज में थोड़ी छोटी होती है और चैलेजल एंड की तरफ बनती है वो सेल होती है एपिकल सेल, ठीक है बच्चों। अब जो ये एपिकल सेल होती है इसी से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और जो जो बेसल सेल होती है ये सस्पेंसर सेल्स बनाती है, ठीक है। एपिकल सेल फर्दर इसमें डिवीजन चलता है, तो एक सेल से फिर दो बनेंगी, दो सेल से चार, चार से आठ, तो इस तरीके से डिवाइड होके ये एक ग्लोबुलर शेप बना लेती है। ये मैंने एक ग्लोबुलर शेप बनाई है, इसको ये ग्लोबुलर शेप बना लेती है। और जो बेसल सेल्स होती है इनमें कैसा डिवीजन होता है, इनमें बच्चों ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, एक लाइन में इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ये यहाँ कितनी, ये 6 से 10 सेल्स तक, जो सस्पेंशन सेल्स हैं ये 6 से 10 सेल तक बन जाती हैं। जो सबसे ऊपर वाली सेल्स है इसको हम होस्टोरियल सेल बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जो ये लास्ट सस्पेंशन सेल में जो लास्ट वाली सेल है इसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो जो ये शेप बनी है ना एम्ब्रियो की, इसको हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर शेप, ग्लोब्यूलर शेप स्टेज। ये जो स्टेज है इसको ग्लोब्यूलर स्टेज बोलते हैं एम्ब्रियो की। देन फर्दर डिवीजन होता है, जो ग्लोब्यूलर स्टेज होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देन ये कन्वर्ट हो जाती है टर्पीडो शेप में। तो बच्चों हमने याद रखना है कि कैसे प्रो एम्ब्रियो से कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तो पहले जो ग्लोबुलर स्टेज आती है, उसके बाद में हार्ट शेप स्टेज आती है, देन टर्पीडो शेप स्टेज आती है, ठीक है। अब टर्पीडो शेप स्टेज से एक मैच्योर एम्ब्रियो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। जो ये हाइपोफाइसिस है ये रूट कैप बनाने में हेल्प करती है, इससे रूट कैप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो ये इस तरीके से यहाँ पे हार्ट शेप बना, फिर यहाँ पे टर्पीडो शेप बना, तो ये दो कोटिलीडन्स बन रहे हैं बच्चों। तो ये इस तरीके से दो कोटिलीडन्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डाइकोट प्लांट है तो इसमें ये दो कोटिलीडन्स बने। कोटिलीडन से जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन जहाँ से वो मेरिस्टम सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं, या इसको हम प्लूम्यूल भी बोलते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। अब जो नीचे वाला पोर्शन है ये रूट कैप, कौन सी सेल्स ने बनाया, रूट कैप बनाया हाइपोफाइसिस सेल्स ने।
और इसके जैसे ये रेडिकल वाला पोर्शन है, रेडिकल और रेडिकल से ऊपर ये वाला पोर्शन, इसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक जायगोट डायगोट प्लांट में एक मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है।